कुछ रूल ऑफ थंब पढ़ने जा रहे हैं। रूल ऑफ थंब को जब आपको समझना है तो एक चीज को जान लीजिए पहले कि एक्चुअल में फाइनेंस आपका एक पर्सनल मैटर होता है और पर्सनल बहुत सारी बातें होती है जिसके ऊपर डिपेंड होता है। जब मैं रूल ऑफ थंब बताऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सबके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन एवरेज ये होता है इसके आसपास डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। हो सकता है कोई आप में से 40 साल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन में बहुत इच्छा शक्ति थी कि मैं काम पीएचडी, बहुत पीएचडी करूँ, मेरी इच्छा शक्ति थी। करें। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो फाइनेंशियल सिचुएशन, घर की प्रॉब्लम्स, ये सब देखते हुए ये था कि जल्दी से जल्दी नौकरी भी करूँ, ये था। तो पीएचडी करने लगता 3-4 साल लगते, जब नौकरी करने लगा तो नौकरी वाले पीएचडी करने नहीं देंगे, वो जाने नहीं देंगे। तो उस समय मुझे ये देखना पड़ा कि मुझे पीएचडी ऐसी जगह से करना है जहां से आसानी से भी हो जाए, मुझे बहुत जाना ना पड़े, मुझे देखना पड़ा इस चीजों को। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, गवर्नमेंट में तो नहीं होगा, ये मुझे प्राइवेट से करना पड़ेगा, प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा थी। अच्छा तो ये सब अब वहां पे आपके, तो ये चीज मेरे 40 साल के जब मैं हो गया तब मेरे दिमाग में आया, 40 तो नहीं, 33-34 साल। तो आपकी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपकी कोई सिस्टर हो सकती है जिसकी शादी करनी है, आपके घर की पोजीशन हो सकती है, आपके मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो आपका पर्सनल फाइनेंस उन बातों पे डिपेंड करता है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट। लेकिन कुछ रूल ऑफ थंब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो जनरली आपके लाइफ में दिक्कतें नहीं आती, ठीक है, प्योर फाइनेंशियल। आप अच्छा, मजे की बात है, जो भी मैं आपको रूल ऑफ थंब बताने जा रहा हूँ ये सुनील त्रिपाठी का नहीं है, ये फाइनेंस की कोई भी अच्छी बुक उठा के आप देख लेंगे, कोई भी अच्छी बुक जहां पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात की गई हो, इवन नहीं तो सेबी का स्टडी मटेरियल उठा के देख लेंगे, पर्सनल फाइनेंस के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, तो आपको लगभग लगभग ऐसा ही वो भी कुछ कहते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसा मेरा कोई पेटेंट राइट नहीं है, आप देखेंगे तो हर कोई फाइनेंस के पढ़ना जानने वाले, फाइनेंस को लिखने वाले आपको यही बातें बताएंगे, तो उन्हीं को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो आपको एजेंट भैया लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोगों का काम कमीशन पे है, वो दे आर अपनी जगह पे वो बहुत राइट है, उनका काम है कि आपसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदवाना जिससे कि उनका कमीशन ज्यादा हो, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर वो आपसे कहेंगे मैं आपको एडवाइजरी दूंगा, आप मुझे फीस दो, आप में से मैं बता रहा हूँ 95 लोग अभी जुड़े हैं, 4 लोग भी नहीं देंगे। वो आपको ऐसा प्रोडक्ट भेज देंगे जिसका कमीशन ट्रिपल हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ले लेंगे खुशी, वाह फ्री में मुझे एडवाइस दे के गया। तो ऐसी फीलिंग होती है, ये हमारा सोच है, हम ऐसे सोच के लोग। वो 2,000 रुपए अगर आपसे मांगेंगे एडवाइजरी तो आप देते नहीं है, देना चाहते नहीं है, और वो 10,000 रुपए इन फॉर्म ऑफ कमीशन आपसे दे देते हैं रॉन्ग प्रोडक्ट बेच के। तो उसके इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, उनमें उनकी गलती नहीं है, बिकॉज वो समाज सेवा करेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दे आर 100% राइट, ठीक है। तो हमारी खुद की गलती के वजह से हम उसके बहुत नुकसान करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल पोर्टफोलियो और उसके डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि किसी इंसान का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कितना डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, कोशिश करें कि जो आपकी सैलरी है उसमें से एक फोर्थ सेविंग होती है आपकी, कुछ पीएफ कट जाता है, कुछ एनपीएस वगैरह में पैसा आप लोग का चला जाता है, जो जिस तरह के जॉब में हो उसको आप भूल जाइए। जो पैसा पे आपका हक है, जो आपके अकाउंट में आता है टैक्स वैक्स कटने के बाद जो पैसा आपके पास आता है, कोशिश करिए कि 30% आप उसका सेव कर पाए। बहुत आसान है बोलना, कई बार बहुत मुश्किल होता है करना, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी कैसी आपकी सैलरी है, कैसे आपके घर के सिचुएशन है, कैसी लाइबिलिटीज है, उसको देख के। लेकिन अगर आप, रूल मैं बता रहा हूं कि अगर कोई 30% सेव करता है तो उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती। पहला रूल है डे वन से, आपके 10,000 सैलरी है तो 3,000 सेव कीजिए, 50,000 सैलरी है तो 15,000 सेव कीजिए, 1 लाख सैलरी है तो 30,000 सेव कीजिए। पहला काम है कि आपकी सेविंग जो है वो 30%। अब 30% का मतलब है, हो सकता है किसी महीने में आपने 30 की जगह 25 कर दिया, किसी महीने में 35 कर दिया, इस तरह से करते हुए अगर आप अपनी इनकम का 30% सेव करते हैं, हम 100 के लिमिट पे पहुंच चुके हैं। अब को थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, अब कोई चाह भी रहा होगा तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा होगा, तो इसलिए मैं केवी वालों के लिए एक्सक्लूसिव मैंने 7 दिन चलाया, लेकिन
गौरव जी, देखा आपने कि बाकी दिन हमने कैसे कितने लोगों का नुकसान किया। मैंने एक्सक्लूसिव राइट दिया था आप लोगों के लिए कि आप लोग ज्वाइन करें, लेकिन चलिए देखिए आज 100 हो गए क्योंकि मैंने दूसरे ग्रुप में भी लिंक भेज दिया था। तो 30% अगर आप सेव करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब जो 30% आप सेव करते हैं, इस सेविंग को आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 70% आप खर्च कर रहे हैं, 50% के आसपास आपके नीड्स हो जाते। क्या होता है, लोग कहते हैं नीड्स क्या है, वांट्स क्या है। नीड एंड वांट्स आपके जॉब, आपका काम, आपके फैमिली, इसके बेसिस पे चेंज होती रहती, चेंज होती रहती है। आप अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं तो एक गाड़ी खरीदना आपकी वो बेसिक नीड हो जाती है, बेसिक नीड हो जाती है। देखे वो एक माना जाता है, कई बार ऐसे काम होंगे, किसी को लेके आना है, किसी को छोड़ के आना है, कुछ करना है, किसी के साथ जाना है, और आप पता चलेगा कोई गेस्ट आ रहा है, उसको आप बाइक पे बैठा कर आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपकी बेसिक नीड हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 50% के आसपास आपकी बेसिक नीड्स हो जाती हैं उस समय। उसी हिसाब से आप घर लेते हैं, उसी हिसाब से गाड़ी लेते हैं, उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उसी हिसाब से शूज खरीदते हैं। और 20% के आसपास आपके वॉन्ट्स होती हैं। वॉन्ट्स का मतलब होता है आपको जो लैपटॉप खरीदना है, आपको जो मोबाइल रखना है, आपको बच्चों को घुमाने ले जाना है, ये सारी चीजें जो है उस पे आप खर्च, तो 70% आप आराम से खर्च कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो लाइफ में वो पैसे का बहुत अच्छा यूज होता नहीं। आप बचाएंगे, आपके बच्चे उसको मिस यूज करेंगे, करेंगे ही करेंगे। आपको लगता है कि आप बचाएंगे, बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि अगर सोचिए कि अगर आपने 30% आपने बचाया, 30 की जगह 40 बचाया, 50 बचाया, फिर आपका बच्चा भी 50 बचाएगा, फिर उस पैसे को यूज कौन करेगा, कहीं ना कहीं तो उसको यूज करना है, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहीं यूज होगा। तो आप तो तपस्या करेंगे, आप सेक्रीफाइस करेंगे और आपके बच्चे उसको मिस यूज करेंगे। तो बेटर ये है कि आप 70% कम से कम आप उसको यूज करिए, अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ घूमने जाना है, पेरेंट्स के साथ कहीं जाना है, पिलग्रिमेज पे जाना है, अयोध्या मंदिर जाना है, बाबरी मस्जिद जाना है, आपको दिल्ली में मस्जिद जाना है, कहीं आपका चर्च है जाना है, जहाँ जिसको जो जिसका जो धर्म है, जो वो है, आप लोग को जिसको जो करना है वो आपको करना चाहिए। और उसमें मतलब कोई भी इफ बट नहीं है, जो आपको मतलब मुझे लगता है कि अपने अपने समय के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आपको पैसे को खर्च करना चाहिए, उसमें कोई एक बट नहीं है। अब बात आती है जो 30% आपने सेव किया, 30% सेव करते हैं, मान लो आपके सेविंग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी है, इसको क्या करना है। जो भी आपकी सेविंग है, इस सेविंग में आपका 100 माइनस एज, सपोज गौरव जी आप अपना एज बताइए, आप अपनी एज बताइए गौरव शर्मा जी, 35 सर। 35। तो गौरव शर्मा जी को 65% इक्विटी में होना चाहिए और 35% अदर में होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, 65% आपकी जो सेविंग है, 100 माइनस योर एज करके जो पैसा बचता है वो आपका इक्विटी में होगा। अब गौरव शर्मा जी का इस समय 65 के आसपास, अब 65 का मतलब ये नहीं 65 होगा, वो 64.9 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, 65 के आसपास एवरेज आपका इक्विटी में होना चाहिए और 35 के आसपास आपका डेट में होना चाहिए। अब गौरव शर्मा जी जब 2 4 साल, 5 साल के बाद, 5 साल 40 के हो जाएंगे, तो उनका इक्विटी का पोर्टफोलियो घटना चाहिए, डेट का मतलब दूसरा पार्ट बढ़ना चाहिए, फिर और बड़े होंगे, और बड़े होंगे। जैसे अब जैसे मान लो गौरव शर्मा जी 60 पे रिटायर होंगे, तो उनका इक्विटी में उसके बाद 40% होना चाहिए और 60% आपका दूसरे में हो जाना चाहिए। और बड़े होंगे 80 के आसपास पहुंच गए, तो आपका केवल 20% इक्विटी में होना चाहिए, बाकी आपका। तो इस तरह से आपके एज के साथ साथ आपका होता ऐसा, ऐसे रूल क्यों बने, इसके दो तीन, जैसे जैसे आपका एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है। आपके बेस आपके बच्चों की पढ़ाई की बारी आ जाएगी, आपको घर बनाना होगा, आप रिटायर हो चुके हैं, आपके मेडिसिन के खर्चे होंगे, आप कमा आप चाहें भी तो अगर आपके पैसे कुछ खर्च हो गए, अगर गंवा दिया आपने इक्विटी में, तो आप दोबारा कमा नहीं सकते हैं, अभी तो आप कमा सकते हैं। तो इसलिए आपके एज के साथ साथ आपकी वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी इक्विटी की आपको कम कर देना चाहिए। तो आई होप इक्विटी का सिंपल रूल कितना इक्विटी में होना चाहिए आपको समझ में आ गया। अब जब इक्विटी में आ जाते हैं तो इक्विटी में कहाँ डालें, इक्विटी में डालने के दो तरीके हैं, एक कि आप डायरेक्ट इक्विटी में डालते हैं, दूसरा कि आप म्यूचुअल फंड का रूल लेते हैं। ठीक है, दो ही रूल है कि एक आपको पता है इक्विटी क्या होती है, अच्छी क्या होती है, उस इक्विटी में आपने पैसे लगा दिए। दूसरा होता है कि नहीं आपको पता ही नहीं है,
आपने एडवाइजर लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल दिया। तो अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पोर्टफोलियो में 20-22 शेयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15-17 से कम नहीं होने चाहिए। मान लो, मतलब ये मान लीजिए कि 18 से 22, 23, 24, 25, ये शेयर का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो में 40 शेयर, 50 शेयर, 60 शेयर हैं, इसका मतलब आप शेयर को सिलेक्शन करने में टाइम नहीं दे रहे हैं। आप कहीं से टिप ले रहे हैं, कहीं से सुन रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, कभी ये खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया। वो यही हो रहा है, क्योंकि 20 शेयर अच्छे ढूंढना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। अच्छे शेयर अच्छे रेट पर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो 20 शेयर का एक एवरेज लीजिए, एक दो कम हो सकते हैं, एक दो ज्यादा हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में एवरेज 20 शेयर होना चाहिए आपका प्लॉट है। अब 20 है, कुछ लार्ज कैप होंगे, कुछ मिड कैप होंगे, कुछ स्मॉल कैप होंगे, कुछ आपके आपके टेक्नोलॉजी के होंगे, कुछ बैंकिंग के होंगे, कुछ ऑटो के होंगे, कुछ एफएमसीजी के होंगे। मतलब डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 20 मैंने कहा, आपने 20 के 20 ऑटो ऑटो शेयर खरीद लिया, या 20 के 20 बैंकिंग शेयर खरीद लिया, या 20 के 20 सरकारी शेयर खरीद लिया। ऐसे जब भी आप ये 20 कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपको डाइवर्सिफाइड करना है कि हाँ जी, दो तीन ऑटो के दे दिए, दो तीन टेक्नोलॉजी के दे दिए, दो तीन बैंकिंग के दे दिए, दो तीन एफएमसीजी के दे दिए। ठीक है, इस तरह से करते हुए 20 आपने कर लिए। ठीक है, तो 4-5 इनमें से स्मॉल कैप है, 4-5 इसमें से लार्ज कैप है, 4-5 इसमें मिड कैप है। तो इस तरह से आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड का रूप ले रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4 म्यूचुअल फंड। अगर किसी के पोर्टफोलियो में 4 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है, इसका मतलब उसने कोई रिसर्च नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एकदम लाइव हूं। कोई भी कहते कि हाँ जी नहीं जी मैंने किया है और मैं 10 साल से कर रहा हूं, बहुत अच्छा है जी, मार्केट से अच्छी रिटर्न आ रही है, आ ही नहीं सकती, मैं गारंटी बताता हूं। कोई भी इंसान ऐसे रैंडम कर दिया जी, आज एजेंट आया भैया 2,000 की SIP कर दो, फिर कोई एजेंट आया भैया 3,000 की SIP कर दो, कर रहे हैं जी, ठीक है, फोर्स सेविंग हो जाती है आपकी, एक फोर्स सेविंग हो जाती है, चलती रहती है। लेकिन अगर आपको अच्छी रिटर्न लेनी है तो आपके पास 3 से 4 से ज्यादा आपके म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए। 3 से 4 का मतलब क्या हो गया, एक आपने लार्ज कैप ले लिया, एक आपने मिड कैप ले लिया, एक आपने स्मॉल कैप ले लिया, 3 हो गए। अगर आप टैक्स वैक्स के वाले हैं, टैक्स को बचाने के लिए भी करना है, तो आपने एक ESS फंड ले लिया, और नहीं तो एक इंडेक्स फंड ले लिया, काम खत्म। 4 फंड अच्छे सेलेक्ट करके अगर आप ले लेते हैं, आप अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बन जाता है। ठीक है, तो इक्विटी का पार्ट आई होप मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, यहीं पर मैं एक चीज आप लोग को ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं, थोड़ी सी क्लास आज लंबी हो जाएगी तो मुझे माफ करिएगा आप लोग, मैं चाहूंगा चीज को कवर करना। बहुत सारे लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं, अपने 80C के लिए जिस दिन जॉब ज्वाइन करते हैं उस दिन से सेविंग करना शुरू करते हैं, और जब तक रिटायर होते हैं तब तक 80C की सेविंग कर रहे हैं, 80C की सेविंग कर रहे हैं हर साल। सर सेविंग करना है, 80C का एक डेढ़ रख नहीं हुआ, 80C का डेढ़ रख नहीं हुआ, अब परेशान रहते हैं। मैंने देखा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत सारे परेशान रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्कूल में नौकरी करता था, वहां पे बहुत सारे लेडीज जॉब करते थे, उस चक्कर में कहीं बैंक में, मैम बैंक में जाते थे, वहां एजेंट बैठा होता था, मैम मेरे को 80C वाला कोई बताइए, उसने जो स्कीम बता दी, जो कोई ESS बता दिया, उसमें उन्होंने सेविंग करना शुरू कर दिया। उस चक्कर में मतलब अल्टीमेटली वो अपने कैपिटल का भी नुकसान कर देते थे। एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ, और आप कहेंगे अच्छा ये इतना आसान था, ये हमें क्यों नहीं पता था। आप एक अच्छी SIP अच्छे ESS फंड में केवल 3 साल करिए, ध्यान रखिए। सपोज आपने इस साल नौकरी ज्वाइन की अप्रैल में, अप्रैल से आपने 10,000 के 12,000 के SIP करना शुरू कर दिया, कि सो दैट कि साल का आपका 1.5 लाख रुपए हो जाए। PF UF हटा दो तो आपका PF तो कट ही रहा होता है, चलो जी 30-40 हज़ार PF कट गया, बाकी 1,20,000 चाहिए, उसके लिए हमने 10,000 की SIP कर दी। अब 10,000 की SIP आप 2024 में करो, 25 में करो, 26 में करो, करते जाओ। 27 में क्या होगा, जो आपने 24 के अप्रैल में आपने ESS की SIP किया था, उसका 3 साल का लॉक इन खत्म हो जाएगा। ESS की लॉक इन 3 साल की होती है। वहां पे अपने फंड मैनेजर को एक SWP फॉर्म भर दो कि जी ये अप्रैल वाला यहां विड्रॉ हो, और वहां पे वो दोबारा उस पैसे को लगाने का, वहां पे SIP आपकी चल रही है, नो no डाउट पैसा कुछ ना कुछ बढ़ा ही होगा 3 साल में। आपको जिंदगी में 1.5 लाख की ATC करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 3 साल किया,
और आप 30 साल नौकरी करो, यही सर्कल चलने दो, SIP SWP, SIP SWP, SIP SWP। जो पहले साल की SIP है वो चौथे साल जाएगी, जो दूसरे साल की है वो पांचवें साल जाएगी, जो तीसरे साल की है वो छठे साल जाएगी, फिर वही अगला साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। जिंदगी में आपको 80C तो सोच रहे, बाकी आप अपने 80C के चक्कर में लोग कई बार अपने रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, केवल 80C के चक्कर में। 80C के चक्कर में कई लोग बड़ी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लेते हैं और 20-20 साल के लिए अपने पैसे को लॉक कर देते हैं 80C के चक्कर में। तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में 3 साल, जब मैंने जॉब शुरू की थी तो केवल 3 साल ESS फंड लिया, उसके बाद मैंने कभी ये 80C के बारे में सोचा ही नहीं। तो प्लीज जो लोग आज आप लोग जुड़े हैं, मैं नहीं कह रहा कि सेविंग मत करो, सेविंग करो, लेकिन 80C के चक्कर में गलत प्रोडक्ट में सेविंग ना करें। केवल 3 साल आप अपना 80C कर लें, चौथे साल से आपको 80C के बारे में नहीं सोचना है। आपका जो SWP होके निकलेगा पैसा, वही पैसा अगली बार लग जाएगा और उससे आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो आई होप ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात बचती है कि सर आपने कहा 100 माइनस योर एज, ये पैसा इक्विटी में चला गया, जो बच गया, सपोज गौरव शर्मा जी का एज हमने लिया था जो कि 35 ईयर है, तो उसके हिसाब से 35% पैसा बच गया, उसका क्या करें? उस 35% को दो टुकड़े कर दो, यानी 17.5-18, 18% के आसपास जो भी आएगा, आधा पैसे को आपको अपने फिक्स्ड इनकम वाले में डालना है। फिक्स्ड इनकम मतलब PF में डालो, PPF में डालो, सुकन्या में डालो, किसान विकास पत्र में डालो, ठीक है, सो इस तरह से आप कुछ सी में डालो, और जो बाकी आधा है उसको आपको फिजिकल एसेट में डालना। फिजिकल एसेट क्या होते हैं? या तो गोल्ड या तो प्रॉपर्टी, मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो गोल्ड हाँ या तो प्रॉपर्टी, फिजिकल एसेट्स में डालना है आपको। अब शुरू में छोटा छोटा पैसा होगा, प्रॉपर्टी तो आएगा नहीं, तो आप गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड कॉइन ले लो, गोल्ड के बिस्किट्स वगैरह ले सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं वो ले सकते हैं, आधा पैसे को आपको उसमें डालना है। ध्यान रखना है, गोल्ड खरीदने का ये कहीं से मतलब नहीं होता कि आप झुमके खरीदें, झुमके इज नॉट कंसिडर्ड एज गोल्ड, ठीक है। आपको ज्वेलरी जो है वो उस 20% में आएगी जो आपको मैंने वॉन्ट के लिए छोड़ दिया था पहले, जो आपने वॉन्ट के लिए जो रखा था कि मैंने कहा 70% आपको खर्च करना है, 50% अपने नीड पे, 20% अपने वॉन्ट्स पे, तो वहां पे आपको पैसे बचते हैं, तो आप ज्वेलरी खरीदो और यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड बी डूइंग दैट बिकॉज यू हैव अर्न दैट मनी, बट जो आपकी सेविंग्स है उससे आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, इट इज नॉट गुड, इट विल नॉट गिव यू द गुड रिटर्न। आई होप अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका इक्विटी पोर्शन कम होता जाएगा, आपका डेट पोर्शन और फिजिकल एसेट वाला पोर्शन बढ़ता जाएगा। होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस में जब आप 40 साल, 45 साल, 50 साल के पहुंचेंगे, तो आपके पास फिजिकल एसेट में लगाने के लिए एक ठीक ठाक पैसा हो जाता है, उस समय के आसपास आप अपना घर बार खरीद सकते हैं, अभी हम उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। आई होप डाइवर्सिफिकेशन के पार्ट को मैंने समझा दिया। चलते हैं आपके होम बाइंग पे, कि घर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिक बातें ही बताऊंगा, बहुत सारी अब कहाँ घर खरीदना है, क्या करना है, वो तो आपकी अपनी चीज है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो घर है वो आपकी टोटल वेल्थ का ध्यान वो 20% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप अपने टोटल वेल्थ क्या होती है, आपके पास गोल्ड कितने का है, आपके पास कैश कितना है, आपके पास शेयर्स कितने हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड कितना है, ठीक है, ये सबको टोटल वेल्थ कहा जाता है। टोटल वेल्थ के 20% से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए। और जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, कॉमन पीपल दिखावे के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हम अपने जिंदगी के 50% 60% पैसे को घर में ही लगा देते, 50%, किसी के तो मैंने देखे 80-80% जो है वो पैसा घर में लगा, घर खरीद लिया या घर बनवा दिया, वो कई लोग तो घर बनवा दिया वहां तक भी ठीक है, गांव में जाके 4 मंजिल घर बनवा दिया जिसमें कभी न खुद रहना है न कभी उनके बच्चों को रहना है, रहना कभी नहीं है। कहे मैंने पूछा क्या करना है, कभी होली दिवाली पे जाते हैं तो रहने में दिक्कत होती है, अरे भाई उस दिक्कत से बचना है तो गांव के बगल में जो कोई शहर है वहां पे जाके 5-स्टार होटल में 2 दिन रह के आ जाओ, आपको सस्ता पड़ेगा पूरा जीवन सस्ता पड़ेगा, लेकिन नहीं समझ में आते लोग क्या कर सकते हैं, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूं आपकी टोटल वेल्थ के 20% से ज्यादा
कोशिश करें कम ही रखने का, 12 रखें, 13 रखें, 14 रखें, 15 रखें, लेकिन 20% से ज्यादा आपका घर में नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है? ये मैं आपको बता दे रहा हूं। कहीं आप फिजिकल एसेट बाइंग में आप कहीं लैंड खरीद के छोड़े हुए हैं, अगर इन्वेस्टमेंट, वो अलग बात होती है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, जिस घर को आप रहने के लिए लेते हैं, जहां इमोशंस होती हैं, इमोशनल डिसीजन में आपका 20% से ज्यादा का पैसा नहीं लगे होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना है कि जो घर खरीद रहे हैं आपकी जो घर की प्राइस है वो आपके 5-6 साल के इनकम से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए गौरव शर्मा जी कमाते हैं 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं, तो साल का मैं मान के चल रहा हूँ एक एवरेज की, तो 70-80 हज़ार रुपए इनकी सैलरी है मान लीजिए, तो इनका हो गया जी साल के 10 लाख रुपए, यानी 50-55 लाख के आसपास का ही इनको घर खरीदना चाहिए। उसके ऊपर का अगर आप घर खरीदते हैं तो आप हमेशा परेशानियों में ही रहेंगे, दिक्कत में ही रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए, अब बात अलग है कि आपने 7.5 साल जिंदगी भर बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया, फिर जिंदगी भर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा दिया, निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएंगी आपकी, तो ठीक है। तो बेटर ये है कि कोशिश करें कि आपका जो घर है वो आपके 5 साल की इनकम से ज्यादा का ना हो खरीदते समय। ध्यान लो, अगर कोई भी आदमी 1 लाख की सैलरी है तो 12 लाख होते हैं साल के, 12-25 60, 60 लाख, 65 लाख, 55 लाख, 58 लाख, उसके रेंज में जो घर आपको मिलता है, जिस सिटी में मिलता है, वो आपको देखना चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज, जब आप घर खरीद रहे हैं, कोशिश करें कि कम से कम 30% जो है वो आप अपने पास से डाउन पेमेंट कर सके। यानी 50-60 लाख का घर खरीद रहे हैं तो 15-16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख अगर आपके पास हो जाए तभी आप घर को खरीदें। ये नहीं कि बैंक की स्कीम्स आती हैं कि आप कुछ मत दीजिए, 2% डाउन पेमेंट दीजिए, आपको हम दे देंगे, ये है वो है, उन चक्करों में ना पड़े। अल्टीमेटली वो लाइबिलिटी आपके ऊपर ही आती है, आपको बियर करना पड़ता है, नुकसान आपको होता है। कोशिश करें कि 30% के आसपास आप अपने सोर्स से डाउन पेमेंट कर पाए। और वो अपना सोर्स कौन सा बताया मैंने आपको, वो जो योर 100 माइनस योर एज करके जो आपने बचा हुआ है एज का पार्ट 2 किया, पार्ट 2 जो फिजिकल एसेट में लगाया है वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए, आपने गोल्ड खरीदा हुआ है वहां से पैसा निकलता है, तो 30% के आसपास जब हो जाए तभी आपको घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। शुरुआत में जल्दीबाजी में घर नहीं खरीदना चाहिए, अल्टीमेटली रॉन्ग क्या होगा, जैसे आपकी जॉब लगी आपने मान लो घर खरीद लिया, भाई जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, आपको अच्छा घर चाहिए होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि घर खरीदने का जो एग्जेक्ट एज होती है वो 40-45 के आसपास जाके आती है, कहीं 28 साल, 30 साल, 32 साल के आसपास घर नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप घर खरीद लेते हैं आप एक सिटी में बंध जाते हैं, नहीं मुझे यहां से ट्रांसफर नहीं लेना, मेरा तो यहाँ घर है, ये है वो है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है 40-45 साल के जब आप होने लगते हैं, उस समय आपके बच्चे 10वीं 12वीं में आ चुके होते हैं, बोर्ड के पेपर होते हैं, उस समय एक सिटी आप सेटल होने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी आप 10 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम यहाँ, तो वही एक अप्रोप्रिएट एज होती है जिसमें आपको अपना घर खरीदना है। कोशिश ये करना है कि 30% के आसपास हो। अब कई बार होता है कि आप सपोज जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं जिस घर में रहता हूं इस घर को अगर आज मैं खरीदना चाहूं, मेरा जब मन करे इस घर को मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मैं आप लोग को लाइव क्लास में बता रहा हूं, आज भी मैं इस घर में रेंट पे रहता हूं। क्यों रहता हूं? इस घर का दाम है 1.5 करोड़ रुपए, आज अगर मुझे खरीदना है तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए इसको देना पड़ेगा। 1.5 करोड़ रुपए अगर मैं कहता हूं मैंने उस पैसे को किसी इंडेक्स फंड में भी डाल दिया ना, बिना दिमाग लगाए निफ्टी 20 खरीद के छोड़ दिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के छोड़ दिए, तो 1.5 करोड़ रुपए के 18 लाख रुपए के आसपास मेरे को एवरेज साल की इनकम होती है उसके ऊपर, और इस घर का मैं 30-35 हज़ार के आसपास रेंट देता हूं। अब 35 हज़ार मेंटेनेंस तो चाहे मैं घर खरीद लूं चाहे रेंट पे दूं, दोनों ही केस में मुझे ही देना है। अब अगर आप 35 हज़ार से जोड़ते हैं तो करीब करीब 4 लाख रुपए के आसपास मैं इसका रेंट देता हूं, और अगर मैं इसको खरीद लेता हूं पूरा पैसा देके, जो चाहूं मैं आज खरीद सकता हूं, उसके लिए मुझे कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ की जरूरत नहीं, तो मेरे 18 लाख रुपए, मेरे जो पैसा मेरा कहीं लगा हुआ है वो साल में 18 लाख जनरेट कर रहा है, और ये 4 लाख, तो 12 लाख रुपए महीने का, सॉरी साल का लॉस है।
क्या आपको लगता है कि 1.5 करोड़ के घर का 12 लाख रुपए हर साल एप्रिसिएशन हो रहा होगा? 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है झटका लग जाएगा, कोई मार्केट में रैली आए, लेकिन क्या ये कई साल होगा? नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं तो जानता हूं। इसलिए आपको ये देखना है कि घर खरीदते समय अगर घर की, एक सिंपल रूल ऑफ थंब आपको यहां पे बता रहा हूं, घर की रेंटल इनकम जो है वो 4% से कम है, सपोज 1 करोड़ का घर है और उसका रेंट 4 लाख से कम है साल का, तो उस घर को तो कभी नहीं खरीद, बेटर है कि आप उसको रेंट पे रहें, आप इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। 4% के ऊपर अगर रेंट देना पड़ रहा है आपको, 4.5-5-6% देना पड़ रहा है, तो खरीदने के बारे में ही आप सोचे, क्योंकि 6% आप रेंट देंगे, 6-7% का अप्रिसिएशन होगा, 12% के आसपास हो जाता है, 12% के आसपास हो जाता है, जो कि आपको एक एवरेज डिसेंट रिटर्न हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर 4% या उससे कम रेंटल इनकम है किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वो नीदर, वो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब किसी को इमोशन है, वो अमिताभ बच्चन की तरह इस घर में मेरी माँ ने ईंट लगाया था, मुझे खरीदना है, तो वो देखो इमोशंस की कोई प्राइस नहीं होता, इमोशंस का कोई प्राइस नहीं होता, उसकी बात हम नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है? लेकिन मैं एक लेमैन के लैंग्वेज में रूल ऑफ थंब बता रहा हूं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी रेंटल इनकम 4% से कम है, उसको खरीदने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो आपका एवरेज अप्रिसिएशन माना जाता है, 8% मान लीजिए, अगर आप 100 साल का डेटा उठा के देखेंगे किसी भी, आप तो आपको करीब करीब आपको 8% के आसपास का आपको प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, 4% भी अगर आपको वहां नहीं मिला तो 12% से कम आएगा, और 12% तो आपको एक नॉर्मल गोल्ड या आपको इक्विटी आपको बड़े आराम से दे देती है। तो इसलिए आप देखिए प्रॉपर्टी की, क्या 4% से, जैसे मैं जिस मकान में रह रहा हूँ, 1.5 करोड़ का 4% कितना होता है? 1.5 करोड़ का 4% होता है आपका 6 लाख। तो जब तक रेंटल 6 लाख, साल का 6 लाख से ऊपर का ना हो, इसको खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता, सोचूंगा भी नहीं, ठीक है? मुझे नहीं पता यहाँ क्यों, उसके कई कारण है, एक तो अप्रिसिएशन नहीं होगा, दूसरा मेरा और भी है, मेरा बेटा है पढ़ रहा है, कल को जॉब लग जाएगी, हो सकता है बैंगलोर चला जाए, मैं उसके साथ बैंगलोर चला जाऊंगा, मैं क्यों गुड़गांव में फंसा रहूंगा, मैं क्यों चाहूंगा, नहीं जी, जैसे अब मेरे को कितने दिक्कत, मेरे फादर गांव में रहते हैं, वहां एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से वो वहां, नहीं जी मेरा, हमारा घर है, छोड़ के कहाँ जाए, अब वो भी परेशान मैं भी परेशान, तो ऐसा क्यों, वैसे सिचुएशन लाए ही क्यों लाइफ में? तो ये सारी चीजें होती है, खैर वो इमोशनल चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। फाइनेंस ये कहता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके 4% से कम रेंटल इनकम हो, उसको खरीद के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? एक दूसरा, घर खरीदते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपकी ईएमआई है वो आपकी इनकम के 30% से, बैंक आपको 40%, 45%, 50% तक का भी ईएमआई बना देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप फाइनेंस के बर्डन में नहीं जाना चाहते, तो आपका जो, अगर आप रूल ऑफ थंब देखेंगे तो वो लोग तो 25% की बात करते हैं, 25% 30% के ऊपर कभी भी आपकी ईएमआईज नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, कोशिश करें कि उसके कम ही में रहे तो ठीक, ठीक? तो आई होप घर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं जाता हूं कार के ऊपर, जब आप कार खरीदते हैं, कार खरीदते समय बेसिक चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, कभी भी जो कार खरीदे उसके लिए लोन लेने के बारे में सोचे भी ना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा कि अगर आप कार जो है वो लोन पे ले रहे हैं, बिकॉज कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, हम एप्रिसिएटिंग एसेट के लिए हम लोन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप होम लोन लेते हैं 8% पे, आपको वहां पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, फिर आपका एप्रिसिएशन हो जाता है, तो वो सब जोड़ जाड़ के ठीक हो जाता है, चलो। लेकिन कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, डेप्रिसिएटिंग एसेट के लिए हमें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, कार खरीदने समय कोशिश करें कि जो आपके 8 महीने के आसपास की, 8 महीने के आसपास की जो आपकी इनकम है, कौन सी कार खरीदना, अब जैसे मान लीजिए आपके साल की इनकम है 12 लाख रुपए, लाख रुपए महीने का मैं मान लेता हूं, तो 8 महीने के 8, तो आपको 7-8 लाख रुपए के रेंज में जो कार आती है वो कार आप खरीदेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है
कि आपकी इनकम है 12 लाख, आप कार खरीदते हैं 40 लाख वाली, तो दिक्कत है। रूल फॉलो करें, कोशिश करें कि आप जो है कार वो खरीदें जो आपके 8 महीने के इनकम के आसपास की हो। 8 की जगह वो 7 हो सकती है, 8 की जगह वो 9 हो सकती है, इतना चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ज्यादा की कोशिश ना करें। ये ना करें कि हाँ जी आपकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए है और आपने 25 लाख की कार खरीदी, तो आप परेशान रहेंगे और कुछ नहीं होगा। उसको मेंटेन करने में परेशान रहेंगे, उसको ड्राइव करने में परेशान रहेंगे, उसको अपग्रेड करने में परेशान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। कोशिश ये करना है, ठीक है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब मेरा कोई रूल नहीं है। आप फाइनेंस के, पर्सनल फाइनेंस के बुक्स पढ़ेंगे तो लगभग सब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ऐसा ही वो कुछ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अगर आप खुश नसीब हैं, क्योंकि हर बच्चे को आप बिल्कुल ना माने कि हर बच्चा DU ही जाएगा, हर बच्चा IIT ही जाएगा, मैं एक खुद करियर काउंसलर हूँ, मैं स्कूलों में जाता हूँ, प्लीज ये एक्सपेक्टेशन लाइफ में ना रखें। ये जान लें कि आपका जैसा बच्चा होगा, बच्चे के वो है, आपके आपके कहने से, आपके करने से कुछ नहीं होगा। आपको कोशिश करना है, एज अ माँ बाप आपको उसको अच्छे से गाइड करना है। लेकिन ये मान के चलिए कि आज के टाइम में इंडिया में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराने का एवरेज खर्चा, ध्यान से समझिए, एवरेज खर्चा जो है वो करीब करीब 50 से 60 लाख आता है, एवरेज मैं बात कर रहा हूं। अगर बच्चा नीट करने लगेगा तो वो 2 करोड़ पहुंच जाएगा, अगर बच्चा नॉर्मल BA MA करेगा तो वो 8-10 लाख हो जाएगा, अगर वो इंजीनियरिंग करेगा तो 20-25 लाख हो जाएगा, अगर वो कहीं से BMS और फिर MBA कर लेता है तो वो 40 लाख हो जाएगा। तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 5 साल का जो खर्चा है, 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर 4 साल वाली ग्रेजुएशन करता है तो 6 साल हो जाएगा, तो 10 लाख रुपए साल का आप ये मान के चलिए कि ये एवरेज खर्चा है। मैं फिर बता रहा हूँ, नीट वगैरह होगा तो एक्सेप्शनल हो जाएगा। तो अब 50-60 लाख रुपए ये आज का है, और जो इन्फ्लेशन कॉस्ट है एजुकेशन में वो इकोनॉमी इन्फ्लेशन से 2 से 3% ज्यादा होती है, 2 से 3% ज्यादा होती है। यानी अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर 6% की है तो एजुकेशन की इन्फ्लेशन करीब 9% की होगी। तो अब सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मेरी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है, मुझे पता है एवरेज पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने के लिए उसे 50 से 60 लाख चाहिए। अब 60 लाख रुपए कब चाहिए? आज के 5 साल बाद, क्योंकि वो 5 साल बाद 12th में करेगी। तो अब 5 साल का मैं इसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ दूंगा, 9-9%, 9-9% को उसको मैं बढ़ा दूंगा, तो उस समय मैं देखूंगा कि जो आज 60 लाख है वो 5 साल के बाद हो सकता है वो 75 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब वो 75 लाख का मुझे इंतजाम करना है, कितने की मैं SIP करूं, कितने की मैं सेविंग करूं कि मेरा वो इंतजाम हो जाएगा, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं फ्यूचर प्लानिंग की, ये कभी सेशन होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको ये प्लान करना है कि आपका बच्चा जिस भी एज का है, आज का खर्चा 10 लाख रुपए साल का ले लीजिए एवरेज, और उसको करीब 8-9% से इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ाइए। आपका बच्चा 1 साल का है तो 12 साल का बढ़ा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतना पैसा तो कम से कम आपको अरेंज करके रखना है, उसके लिए इंतजाम करना है। करेंगे तो खुश रहेंगे। हमारे अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का पढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि आपको वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, ऑल एक्सपेंसेस के लिए अरेंज करना है। हो सकता है आपका बच्चा कल को IIT कर ले, या हो सकता है आपका बच्चा DU में पढ़ जाए, 4,000 रुपये में पढ़ाई हो जाएगी, काम खत्म, बच जाएंगे, कोई बात, लेकिन अरेंजमेंट जरूर करना है। प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अरेंजमेंट जरूर करना है, कि उतने पैसे का आप अरेंजमेंट जरूर करें, ठीक है। अब मैं चलता हूं रिटायरमेंट के बाद। जब आप रिटायर हो रहे हैं उस समय आपके पास आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है करीब करीब 20 से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, उससे ज्यादा 30 के ऊपर है तो वेस्ट ही होगा, आपके बच्चे वेस्ट करेंगे, 20 से 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, 20 to 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना जो प्रोविजन कर रहा हूं अपनी रिटायरमेंट के लिए कि जब मैं काम नहीं करूंगा तो मैं 25 टाइम का एवरेज लेके चल रहा हूं, कि जो मेरा एवरेज इनकम है, सपोज मैं मान लेता हूं, मान लो मेरा जी है साल के 50 लाख रुपए की इनकम है, अब 50 लाख का आपका 25 टाइम्स कितना होता है, उतने का मेरा एक कॉर्पस होना चाहिए। अगर किसी का 10 लाख का इनकम है तो 10 लाख के हिसाब से 25 टाइम्स करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए का आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए।
अगर आपके पास इतना है तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे की, देखो पैसे को अगर आप लुटाना शहर शुरू करेंगे, पता चला उस पैसे से घर बना दिया, उस पैसे से अब बेटी की शादी की, उसमें लोगों को दिखावे में दिखा दिया, तो अलग बात है। मैं रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहा हूँ, ये रिटायरमेंट का पैसा है, ये रिटायरमेंट पे यूज करना है। आपकी लाइफ बहुत बड़ी होने वाली है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ती जा रही है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो कोशिश करना है कि 25 गुना जो है आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 25 टाइम के आसपास का 24 कर लो। थोड़ा कंजूस टाइप के हैं तो 20 कर लो, थोड़ा सा और अच्छा स्पेंड करना आपको लगता है नहीं यार तो आप 30 की कोशिश करो। इतना जो है आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस होना चाहिए। कई लोग होते हैं नहीं जी मुझे तो रिटायरमेंट के बाद घूमने जाना है, मुझे यूरोप भी घूमना है, मुझे ये भी करना है, तो उनको तो कम से कम 30 टाइम्स करना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं, फिर आपको एक ध्यान रखना है कि जो भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है उसमें से साल में 4% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। रूल ऑफ 4% आप गूगल करेंगे तो आपको बड़े आराम से मिलेगा, 4% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर मेरा 2 करोड़ का है तो इसका मतलब मुझे 8 लाख से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है? 8 लाख रुपए अगर आप साल में उसमें से निकालते हैं तो आपका काम हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि आप 4% निकालेंगे। आप नॉर्मल भी अगर आपने उसको डाला है इक्विटी में तो आपको 10-12% से वो बढ़ रहा होगा, तो कुछ जो 2 करोड़ है वो कुछ दिनों के बाद वो 2.5 हो जाएगा, उस समय उसका 4% आपका 5 लाख हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन को वो टेक केयर करेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, दैट विल टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन, यू नीड नॉट टू वरी। अगर आप 4% खर्च करते रहते हैं हर साल रिटायरमेंट के बाद, कितना पहले आप बचाते कितना है, करीब करीब 25 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम, और खर्च कितना करते हैं 4% ऑफ द कॉर्पस, आपके जीवन में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, आपका पैसा सफिशियंट रहेगा, आपका पैसा आपके लाइफ में खत्म नहीं होगा, आपका पैसा आपके लाइफ में खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ पैसा आप नेक्स्ट जनरेशन को देके ही जाए, तो यू शुड बी हैप्पी ऑफ दैट, ठीक है? तो आई होप मैंने आपको रिटायरमेंट की बात बता दी। नेक्स्ट चलते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का कंसेप्ट क्या है? देखिए लाइफ में कब कैसी इमरजेंसी आ जाए ये किसी को नहीं पता। हमें लगता है कि नहीं हम तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम तो ऐसा कर लेंगे, हम तो वैसा कर लेंगे। प्लीज, लाइफ की इमरजेंसीज का किसी को नहीं पता, और किसी भी तरह की आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आप किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब में, ये मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि कम से कम 6 महीने की जो आपकी इनकम है, सपोज मैं मान के चलता हूं अगर आप 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो 6 महीने का 6 लाख रुपए के आसपास आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। धीरे धीरे इसको डेवलप करके रख ले। इस इमरजेंसी फंड को जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें ताकि 6 महीने की इनकम के आसपास हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। इस पैसे को, कुछ पैसा इसमें से, सपोज 6 महीने का है तो उसमें से 1 महीने 1.5 महीने का जो एकदम अर्जेंट वाला है उसको आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें, और बाकी पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में डाल के रख दें। डेट म्यूचुअल फंड में जनरली आपको 7-8% के आसपास का रिटर्न मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा कम मिल रहा है, लेकिन यू शुड बी हैप्पी ऑफ दैट, बिकॉज आपको रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच में तालमेल लाना है, दोनों के बीच में तालमेल लाना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा आपका डेट म्यूचुअल फंड में है वो आपको रिटर्न कम दे रहा है, लेकिन आप जिस दिन चाहें, क्योंकि वो मार्केट नीचे वोलेटाइल होगा तो नीचे नहीं जाएगा उसकी वैल्यू, और आपको जब पैसे की जरूरत होगी आप रिडम्पशन देके अगले दिन आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप इमरजेंसी फंड का आपने कोई कम। अब आते हैं एक टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जिसे आप कहते हैं, इसके सिवा कोई और इंश्योरेंस आपके पास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नो डाउट कार इंश्योरेंस वगैरह होगी, मैं बात कर रहा हूँ वो जो है ना, कौन कौन से मैं नाम लूंगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का तो अच्छा नहीं होगा, सम जीवन आनंद, जीवन श्री और ये वो आप लोग खरीदते रहते हैं। प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इंडिया में ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी आज तक डिजाइन नहीं हुई है
जिसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। हुई नहीं है, डिजाइन ही नहीं हुई। तो जब आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देनी है उसने, तो उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसीज आर फॉर इंश्योरेंस पर्पज, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। हम लोग की गलती है कि हम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं कि इतना पैसा मिलेगा। ये आपकी गलती है प्लीज। ऐसे नो डाउट आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए ये ध्यान रखें। पहली बात, टर्म इंश्योरेंस केवल उसी पर्सन के नाम से लें जिसके डेथ हो जाने पर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। सपोज आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, आपके घर में बच्चा है, तो आपको ध्यान रखना है हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे टर्म इंश्योरेंस दे दें। अगर हस्बैंड काम करता है, वाइफ नहीं काम करती है, तो गलती से भी वाइफ के नाम पे टर्म इंश्योरेंस ना लें, उसका कोई फायदा नहीं है। उस वाइफ को मरने का नुकसान तो होगा, लेकिन फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। तो हम फाइनेंशियल नुकसान को पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, ना कि इमोशनल नुकसान को। इमोशनल नुकसान की भरपाई जो है इंश्योरेंस से नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। तो टर्म इंश्योरेंस आपको उसी पर्सन, कई बार लोग मैंने देखा बच्चे का टर्म इंश्योरेंस करा दें, बच्चे की डेथ हो जाएगी, आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मान लो आपने 5 करोड़ का करा, आपको 5 करोड़ मिल जाएंगे, क्या कर लोगे उस पर? आप उस पैसे से कुछ जीवन में कर पाओगे? कभी कर ही नहीं पाओगे उस पैसे। उस पैसे से जीवन में आप चाहोगे भी ना कि हाँ मैं घूम लूं, खा लूं? आप खाया नहीं जाएगा वो पैसा। मैं आपको बता रहा हूं कोई फायदा नहीं है। ऐसी गलतियां ना करें। केवल उस पर्सन का टर्म इंश्योरेंस कराएं जो पर्सन वर्किंग है, और उसके डेथ हो जाए तो घर के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। पहला रूल ये था। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि आपको जो टर्म इंश्योरेंस कराना है वो करीब करीब 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। अब ये एनुअल इनकम को भी डिफाइन करते समय, सपोज मैं मान रहा हूं केवी में आपने एज ए टीचर नौकरी ज्वाइन की, ज्वाइन की आपके 60-70 हजार रुपए पे सपोज ज्वाइन हुई। पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, बाद में इंश्योरेंस तो बढ़ा नहीं पाएंगे, या बढ़ाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो आपने एवरेज ले लिया, आपको पता है कि आपने 60-70 पे ज्वाइन की, आप रिटायर होंगे तो उस समय 1.5 लाख के आसपास होगा। तो करीब करीब 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1,20,000 को आप अपनी एनुअल इनकम मान लीजिए, सॉरी मंथली इनकम मान लीजिए, x12 कर दीजिए, तो 14 लाख रुपए साल के होते हैं, 15 लाख साल के होते हैं, 20 लाख साल के होते हैं। उसका 15 टाइम्स आपको, यानी करीब 2-2.5 करोड़, 3 करोड़ जो भी आपका बनता है उसका आपको करा लेना है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो एनुअल इनकम है या एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम है उसके 15 टाइम्स के आसपास का। तो अगर आपके 10 लाख एनुअल इनकम आप एवरेज निकालते हैं, तो उसका 15 टाइम्स आपका करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। आपको उतने का ही टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, उससे ज्यादा का करा के कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली फिर वही है, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रेजेंट नीड और फ्यूचर नीड दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करना है। जब आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं ज्यादा पैसे का, तो आप कर क्या रहे? सपोज अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो पैसा वेस्ट हो गया, और अगर आपको कुछ हो गया और आपके घर वालों को जरूरत है 2 करोड़ की और मिल गए 4 करोड़, तो अल्टीमेटली वो उसका वो मिसयूज बोलो या वो उसको एंजॉय करेंगे। तो आपके मरने के बाद आपका बेटा पैसा एंजॉय करे, उससे अच्छा है कि आप अपने जीवन में उसके साथ एंजॉय करिए ना उस पैसे को। उस पैसे को प्रीमियम देके अपने जीवन में उसके साथ एंजॉय करिए, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखें कि आपको टर्म इंश्योरेंस अपनी एनुअल इनकम के 15 टाइम के आसपास का, 15 कर लो, 17 कर लो, 12-13 कर लो, कुछ ऐसे ही करके 15 टाइम के आसपास कर लो, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज आपकी महीने की इनकम है 1 लाख रुपए, साल के हो गए आपके 12 लाख रुपए, 12 लाख का 10 गुना होता है 1 करोड़ 20 लाख, और 15 गुना होता है 1 करोड़ 80 लाख, यानी 2 करोड़ के आसपास का अगर आप टर्म इंश्योरेंस करा लेते हैं तो बहुत अच्छा। ऐसा क्यों? कि अगर सपोज आपको कुछ हो गया, 2 करोड़ रुपए बच्चे को मिल गए, उस 2 करोड़ रुपए को बच्चे ने एफडी में डाल दिया, सुकन्या में डाल दिया। सुकन्या में तो खैर इकट्ठा नहीं डाल पाएगा, मान लो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाले तो करीब 7-8% के आसपास उसको रिटर्न मिलेगी। 2 करोड़ का 8% 16 लाख रुपए होते हैं, ध्यान समझे, 2 करोड़ का 8% 16 लाख रुपए होते हैं। टैक्स वैक्स कटवट के भी 14-15 लाख रुपए उसको मिलेंगे। खर्च कितना हो रहा था, मैंने आपका जोड़ा था
12 लाख रुपए महीने का। उस 12 लाख रुपए में से भी आप 30% तो सेविंग करते हैं, 70% ही खर्च करते हैं, यानी करीब 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए खर्च करेंगे। बच्चे को मिल रहे हैं 15 लाख रुपए, वो वहां से 10 लाख रुपए खर्च करेगा, 5 लाख रुपए एडिशनल उस कॉर्पस में ऐड होता जाएगा, फ्यूचर में उसका इन्फ्लेशन को भी टेक केयर कर लेगा। बड़े आराम से सब काम हो जाता है अगर आप अपना 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आप टर्म इंश्योरेंस करा के रखते हैं, कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उससे ज्यादा मत कराइएगा। दूसरी अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस कितने एज तक कराएं। कई बार होगा कि जब आपको एजेंट भैया आपके पास आएंगे तो वो कहेंगे कि त्रिपाठी जी आप अपना टर्म इंश्योरेंस ना 80 साल तक कराइए। मैं पूछोगे क्यों, कहेंगे सर 70 साल के बाद मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहें हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, मरने के चांस ज्यादा होंगे तो उस समय मर जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। आप सोचो आप जब 70 साल के हो गए या 72 साल के हो गए, आपका जो बेटा होगा वो 40-42 साल का होगा, 42 साल के बच्चे को आपके डेथ होने पे 2 करोड़ रुपए मिल भी गए, क्या करेगा वो, क्या करेगा? पापा के मरने पे पैसे मिले हैं, चलो यूरोप घूमते हैं। आपने टर्म इंश्योरेंस कराया क्यों था? देखिए जहां आप अपने रूल से डेविएट कर जाते हैं, जब अपने मेथड से कहते हैं प्रिंसिपल्स से डेविएट कर जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। आपने टर्म इंश्योरेंस कराया था सिक्योरिटी के पर्पज के लिए, आपने टर्म इंश्योरेंस इंजॉयमेंट के लिए नहीं कराया था कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, बेटा घर बना लेगा या बेटा यूरोप घूमने चला जाएगा, इसके लिए नहीं कराया था, उसके लिए बेटा अपना कमाएगा और बना लेगा। कब तक कराना है आपको? सपोज मेरी बेटी अभी 12 साल की है और वो क्लास 7 में है, मुझे पता है मेरी बेटी जब आज के 5 साल लगेंगे उसको 12th करने में और करीब 5-6 साल उसको लगेंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, तो करीब 12-13 साल और अगर 12-13 साल और अगर उसे सपोर्ट मिल जाए तो वो अपने लाइफ में सेटल हो जाएगी, फिर उसकी शादी वादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी या अपना जॉब करने लगेगी जो भी हो। यानी रिक्वायरमेंट मुझे कुछ होने पे मेरी बेटी को दिक्कत कब तक आएगा? अगले 12-13 साल तक। तो मुझे तो बस 12-13 साल का टर्म इंश्योरेंस चाहिए जी, यानी मैं अगर इस समय 44 साल का हूं तो 12 साल ऐड करता हूं तो टोटल 56 होता है, मैं 56 की जगह 58, 59, 60, 60 ईयर तक का टर्म इंश्योरेंस कराऊंगा, मैं उसके बाद का नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके बाद का कराता हूं तो पैसे को जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे अगर कुछ होता है तो वो केवल और केवल इंजॉयमेंट में यूज होगा, वो नेसेसिटी में यूज नहीं होगा, और इंश्योरेंस नेसेसिटी में यूज के लिए कराया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने ज्यादा समय तक के लिए आप टर्म इंश्योरेंस कराएंगे उसका प्रीमियम जो है अपने आप बढ़ जाएगा। अगर मैं 60 तक का कराऊंगा तो मेरा प्रीमियम अगर साल का 10,000 होता है और मैं 70 के लिए कराऊंगा तो उसका प्रीमियम अपने आप 14,000 हो जाएगा, 4,000 मुझे साल के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एजेंट भैया मुझे हमेशा कहेंगे कि आप तो 80 तक का कराइए, कारण ये है कि प्रीमियम जितना ज्यादा होगा एजेंट भैया का कमीशन उतना ही ज्यादा होगा, एजेंट भैया का जो कमीशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए एजेंट भैया आपको हमेशा कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा साल का कराइए, वो अपनी जगह एकदम सही है, वो कहीं गलत नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि आप एक नीड को खरीद रहे हो, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं है कि आप खूब अच्छे वाली गाड़ी खरीद रहे हो कि हाँ जी खूब प्रीमियम देना है, ऐसा नहीं है, ऐसी गलती नहीं करना। तो टर्म इंश्योरेंस 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम सफिशियंट होता है, और कोशिश करना है कि अगर आपकी वाइफ है, आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस ठीक ठाक है, या आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है, पता है कि कुछ हो भी गया तो रिटायरमेंट पेंशन फंड उनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? बच्चों की पढ़ाई वगैरह पे, बच्चों के अगर वो वर्किंग नहीं है तो आपको उनके रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना है, और प्लस अपने बच्चों का देख लेना कि बच्चे मेरे कब सेटल हो जाएंगे, उस एज तक को कैलकुलेट करके उस एज तक के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। आई होप मैंने टर्म इंश्योरेंस के कंसेप्ट को अब छोटे में समझाने की कोशिश की है, बाकी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आगे बढ़ता हूं, अगला चीज है आपका मेडिक्लेम। मेडिक्लेम इंसान के पास, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको या कंपनी आपको आपका गवर्नमेंट आपको देती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और आपकी कंपनी आपको देती भी है तो भी आपके पास अपना मेडिक्लेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट जॉब में अगर आप हैं
कब आपकी जॉब छूट जाएगी आपको नहीं पता है। और अगर आप 50 साल में, 55 साल में, 60 साल में जाके मेडिक्लेम लेना चाहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हों और आपको मेडिक्लेम मिलेगा ही नहीं। इसलिए अर्लीस्ट एज में हमें मेडिक्लेम लेना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना हो। अगर आपका गवर्नमेंट से है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आपको इसी जो भी है उससे आपका हो जाता है। ठीक है, आपका जो मेडिक्लेम है वो कितने का होना चाहिए? फिर यहाँ पे अगर आप एजेंट भैया से पूछेंगे तो जनरली आपको एजेंट भैया आजकल आएंगे, कहेंगे 50 लाख, 1 करोड़, आजकल तो अमेरिका में जाके राज होता है, ये है वो है, ये सब गलती ना करें। आपको फिर ध्यान रखना है कि मेडिक्लेम आप नेसेसिटी के लिए करा रहे हैं, किसी लग्जरी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए नहीं करा रहे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, घर में तो एक रूम में 4 लोग सोते हैं, लेकिन जब मेडिक्लेम लेते हैं तो वे देखते हैं कि इस मेडिक्लेम में मुझे प्राइवेट रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे एसी वाला रूम मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। अरे आपको अपने लाइफस्टाइल को देखना है, आप किस लाइफस्टाइल में जीते हैं। अगर आप घर में ही, आप ऐसे घर में रहते हैं जहां 4 लोग एक कमरे में रहते हैं, तो आपको हॉस्पिटल में जाके एसी वाला प्राइवेट रूम लेने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर आपके घर में ऐसा प्रोविजन है, आपको ऐसा उस आप उस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपको करना चाहिए। तो आपको पहली बात ये चीजें को ध्यान रखना है कि आपको कितने का मेडिक्लेम देखते समय इन चीजों को ध्यान रखना है। एक जनरल रूल मैं बता रहा हूं, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि एक बाईपास सर्जरी कराने का कितना खर्चा है। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं और अगर कुछ हो जाए तो बाईपास सर्जरी कराने का 10 लाख के आसपास का खर्चा आता है गुड़गांव के। तो इसका मतलब गुड़गांव में रहने वाला इंसान अगर 10 लाख का एक मेडिक्लेम ले लेता है तो एनफ है। उसी तरह अगर कोई, मान लीजिए कोई पटियाला में रहता है या कोई मेरठ में रहता है, वहां पे ये खर्चा करीब 5-6 लाख होगा। तो आप 5-6 लाख का एक मेडिक्लेम ले लेते हैं, आपका रहा हुआ। क्यों? क्योंकि जब अगर आप 6 लाख का मेडिक्लेम लेते हैं, अगले 4 सालों के बाद वो अपने आप 12 लाख का हो जाता है, नो क्लेम बोनस जोड़ के। जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने 10 लाख का मेडिक्लेम लिया हुआ है, वो अपने आप 20 लाख का हो चुका है, मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। ठीक है, 20 लाख तक का मुझे उतना बहुत होता है। तो आपको सिंपल एक ध्यान रखना है कि एक बाईपास सर्जरी कराने का खर्चा आपके सिटी में जो है उसके आसपास का आप मेडिक्लेम ले लें, 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे, कोशिश करें ऊपर ही लेने की, आपके लिए मेडिक्लेम सफिशियंट है, उससे ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। एजेंट भैया आपको हमेशा कहेंगे कि ज्यादा वाला लें, क्योंकि ज्यादा वाला लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा, प्रीमियम ज्यादा होगा तो उसका कमीशन भी ज्यादा। सिंपल। दूसरा कि सपोज जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं और मेरे बच्चे भी हैं गुड़गांव में रहते हैं, वाइफ हैं, तो मुझे लगा कि जी 10 लाख का मैंने मेडिक्लेम लिया है, लेकिन मुझे 10 लाख का और, मुझे मतलब कम से कम ये 20 होना चाहिए, नो डाउट। अब वो 20 हो गया टॉप अप जोड़ के उसका, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, नो क्लेम बोनस जोड़ के, लेकिन मुझे लगा 20 है। तो आपको 20 लाख का मेडिक्लेम नहीं लेना, आप 10 लाख का मेडिक्लेम लें और 10 लाख की एक टॉप अप पॉलिसी ले लें, 10 लाख की टॉप अप। अगर आप 10 लाख का मेडिक्लेम लेते हैं और उसका साल का प्रीमियम 10 हजार आता है, 20 लाख का लेंगे तो उसका प्रीमियम आएगा आपको 18 हजार, 10 लाख के जगह, और 10 हजार की जगह 18 हजार लेंगे। लेकिन अगर आप 10 लाख का मेडिक्लेम लेके और 10 लाख का टॉपअप ले लें तो 10 लाख के मेडिक्लेम का 10 हजार खर्चा आएगा और टॉपअप पॉलिसी का 2 हजार, 2,500, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो आपको हमेशा जो आपने मेडिक्लेम ली है उसको थोड़ा बहुत, अगर आपको 5 लाख 10 लाख बढ़ाना है तो उसके ऊपर एक टॉपअप पॉलिसी आती है। टॉपअप पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर कभी आपको कुछ हुआ और ये 10 लाख खर्च हो गए, उसके बाद पैसे कम पड़े, तो वो टॉपअप वाले कंपनी जहां से भी आपने ले रखा होगा वो आपको पैसे देगी। तो कोशिश ये करना है कि अगर आपने एक्स कंपनी से, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मुझे किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, मैं केवल आपको चीजें सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने एक्स कंपनी का मेडिक्लेम लिया है तो वाई कंपनी से आप टॉपअप ले लें, उससे आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। आप 25 लाख का, अगर आपको लगे, मान लो फीलिंग आए कि मुझे 25 लाख का मेडिक्लेम लेना है, तो आप क्या करें, आप 10 लाख का मेडिक्लेम लें या 15 लाख का मेडिक्लेम लें और 10 लाख का टॉपअप लें। ठीक है, तो वो आपके लिए आसान होगा, आपका पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने 10 लाख का मेडिक्लेम लिया हुआ है,
20 लाख का टॉपअप लिया हुआ है, जो 10 लाख का मेडिक्लेम है वो अपने आप 20 का हो गया है नौकरी में बोनस जोड़ के, और 20 लाख का टॉपअप है, पड़ा है, काम खत्म। मैं नहीं चाहता जीवन में कभी मुझे यूज करना पड़े, लेकिन ले रखा है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये मेडिक्लेम की बात को समझाया। इतना जानने के बाद ये बेसिक चीजें कि टर्म इंश्योरेंस क्या करना है, मेडिक्लेम क्या करना है, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा रखना है, इमरजेंसी फंड के लिए कितना पैसा रखना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना पैसा रखना है, कार खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है, घर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और अपने जो पैसे को रखा हुआ है सेविंग्स को, उसको किस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से में डाइवर्सिफाई करना है एज पर एज। अगर आप ये करके चलते हैं तो जनरली आपको दिक्कत नहीं आती, नो डाउट। मैंने शुरू में कहा थोड़ा बहुत पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज करनी पड़ सकती हैं, वो पर्सनल एडवाइजरी होती है, अच्छे पर्सनल एडवाइजर्स को आप मिलें, बात करें, हो सकता है। प्लीज ब्रोकर भैया, एजेंट भैया से आप चीजें खरीदें, लेकिन उन लोगों से सलाह ना लें। सलाह लेंगे तो ये उसी तरह है जैसे आप केमिस्ट से जाके पूछते हैं कि केमिस्ट भैया मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, बताओ कौन सी दवा लें, तो केमिस्ट भैया दवा दे देते हैं, सही निकले ना निकले, आपको सलाह डॉक्टर से लेनी है, केमिस्ट से दवाई लेनी है। थैंक यू वेरी मच, रूल ऑफ थंब में मुझे इतनी चीजें आप लोग को बतानी थी, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप तक पहुंच पाया हूँगा, बता पाया हूँगा। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मैं एक एक करके लूंगा, और मैं फिर बता रहा हूँ जो तो चीजें मैंने बताई हैं, अपने बुक्स में लिखी है वो बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ वो बताई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ये कोई रेडीमेड काढ़ा है पिला देंगे तो आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, कोशिश अगर इसके आसपास रहते हैं तो आप खुश रहेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक दो लोग थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर दें, बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, या आपके लगा कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, मिला कुछ हो तो बताना चाहें तो बता सकते सर, हैं। जी सर, आप आपसे शुरू करते हैं। लाइक यस मैम, सीमा मैम प्लीज। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन द टर्म इंश्योरेंस टिल द एज ऑफ 70, एंड लाइक देयर इज अ टर्म राइडर फॉर अनदर 10 इयर्स. मतलब आई डिडंट नो एनीथिंग, मतलब हाँ मुझे वो मैं पता आपको नहीं बता रहा था. हूँ, ठीक है, पहले मैं एक चीज इंटरव्यून करूंगा, आपने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि आपको एजेंट भैया ने ऐसा कहा होगा कि ऐसा करने के लिए, कि ऐसा करके। मतलब अच्छे नोन थे तो मैंने कहा ठीक ही गाइड कर रहे हैं, मतलब करके. मैम एक्चुअल में मजबूरी ये होता है कि इंश्योरेंस जो है ना वो हमारा नोन ही बेचता है, जो इंश्योरेंस बेचने आता है वो आपका भाई होगा, चाचा होगा, पड़ोसी होगा, भाई का बेटा होगा कोई, एक्चुअल में क्योंकि इंश्योरेंस बेचते समय जब इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पे सिखाया जाता है कि पहले आपको इनको अप्रोच करना है, फिर इनको अप्रोच करना है, फिर इनको अप्रोच करना है, वहां सिखाया जाता है। तो चलिए आप अपना क्वेश्चन बताइए। जैसे वो है टर्म राइडर है, मतलब 70 इयर्स से 80 इयर्स तक प्रीमियम नहीं देना है. ठीक है, मतलब प्रीमियम सिर्फ 70 इयर्स की एज तक देना है, और टर्म राइडर है 10 इयर्स का, तो 80 इयर्स तक वो पॉलिसी चलेगी. आपको लग रहा है नहीं देना है, आप अभी शुरू से ही ज्यादा दे रही हैं, कितने का ले रखा है आपने टर्म इंश्योरेंस? तो है उसकी वजह से वो बढ़ जाता है हाँ तो प्रीमियम. प्रीमियम मतलब बहुत ज्यादा दे, एक्चुअल में वही है। ठीक है, अब तो दे दिया तो क्या करेंगे, अब तो आप दे रही हैं, देते रहिए। मैंने कैलकुलेट किया, मतलब टोटल मैं जो दूंगी कंपनी को अराउंड 11 लाख समथिंग, मतलब हाँ 50 लाख का इंश्योरेंस है, 50 लाख का टर्म. अब आपको मैं बता दे रहा हूं, मैंने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, 2 करोड़, और शायद अगर मैं सही हूं तो मेरा 1100 रुपये महीने का जाता है। तो सर मैं वही सोच रही हूँ कि अभी ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं, थोड़ा आधा ही टाइम हुआ लगा तो मैं तो बंद तुरंत, करा दूँ. कब लिया है आपने? तो पर 1 साल ही हुआ है, मतलब दो ही फिर प्रीमियम तुरंत दिया. आप तुरंत बंद करा लीजिए, आप अच्छा है, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक आप इन है, थैंक यू सो मच सब। सर. मतलब अगर आपको पहले सुना होता तो मतलब कोई था ही नहीं गाइड करने वाला, तो ऑब्वियसली. सर आपने आई कब लिया था? काफी टाइम पहले लिया था. मैंने तो सर काफी कम एज में ले लिया था, मैंने 29-30 के एज में ले लिया था। ये टर्म इंश्योरेंस जितना कम एज में लेंगे उतना सस्ता मिलता है, ये ध्यान रखे। अगर आपके ठीक है आपका टाइम निकल गया, आपके बच्चों का टाइम आता है, तो आप उनको बता दें कि जितना कम एज में, जैसे ही उनकी सैलरी स्टार्ट होती है पहले साल दूसरे साल, टर्म इंश्योरेंस ले लें, जितना कम एज में लेंगे उतना वो फायदे में। टर्म जी, आई हैव अ इंश्योरेंस क्वेश्चन यस सर कि प्लीज। सपोज आई हैव ए टर्म इंश्योरेंस अभी अराउंड 1 CR का है एंड मुझे अभी इंक्रीज करना है, ठीक है, तो सेम कंपनी से करना चाहिए या और किसी कंपनी से भी जहां से अच्छा मिले, आई कैन टेक एडिशनल टर्म नहीं, इंश्योरेंस? आप कहीं से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर, जहां से आपको अच्छा मिले ले सकते हैं, आप मतलब पहले
पहले बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ सेबी का और सॉरी इसका आईआरडीए का क्लियर नॉर्म है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस जो 3 साल चला दिया उसके बाद कोई कंपनी, लोग आपको लगता होगा अब कोई कंपनी मना नहीं कर सकती कि आपने ये किया वो किया, 3 साल अगर टर्म इंश्योरेंस चल गया तो कोई कंपनी अब मना नहीं कर सकती आपको पेमेंट करने के लिए, डोंट वरी। आप जहां से आपको अच्छा मिले अच्छी कंपनी हो, बस ये ध्यान रखिएगा, और बहुत सारी कंपनी आपने देखा होगा पास्ट में दो चार बंद हो गई, तो कोशिश ये करिए ऐसी कंपनी रहे जो आपको लगती है, जैसे मुझसे मुझसे कोई पूछे ICICI है, HDFC है, SBI है, कोटेक है, ये सारी कंपनियां बंद नहीं, LIC है, ये सारी बंद नहीं, मैं प्लीज आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी, दिस इज मैंने 5 6 7 8 गिन दिए, ठीक है। तो आपको ऐसी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी जिसका नाम ही ना सुना हो अचानक आई हो, उनसे ना लें, क्योंकि आज के 20 साल बाद पता नहीं वो कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा कुछ नहीं पता। मतलब मल्टीपल कंपनी से हम ले सकते हैं, राइट? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके, थैंक यू। हेलो, हेलो आरती मैम, वन प्लीज क्वेश्चन सर। सर एक बार, गुड आरती मैम ने इवनिंग हैंड सर। रेज किया है, आरती मैम ने हैंड रेज किया है, मैंने उनका क्वेश्चन ले लूँ पहले, बताइए। गुड इवनिंग सर।